हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम चाय बनाएंगे। चाय में आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक तरीके से हम कड़क वाली चाय बनाएंगे, एक थोड़ी सॉफ्ट चाय बनाएंगे। तो एक पतीला चढ़ा देंगे। और गाइस, ये देखिए, मैंने आधा कप पानी ले लिया है। एक कप चाय के लिए हम आधा कप पानी ले लेंगे और इसको उबाल लेंगे। चाय हमारी उबल गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आधा चम्मच हम चाय की पत्ती डाल लेंगे इसमें। तो गाइस, चम्मच आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है, आप उस हिसाब से चाय डालें। और गैस को मीडियम कर देंगे। एक चम्मच हम चीनी डालेंगे। चाय पत्ती को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे पहले। और गैस, स्वाद के लिए हम इसमें एक इलायची डाल देंगे, छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे। तो इसमें खुशबू भी आती है इसके डालने से। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। एक चाय में हम बिल्कुल इतनी सी अदरक डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है गाइस। आपको अगर अदरक का टेस्ट पसंद है तो डाल सकते हैं। चाय हमारी अच्छी तरह से उबल गई है, तो आधा कप ही हम इसमें दूध का डालेंगे और इसको फिर से हम एक मिनट के लिए उबाल लेंगे। जब इसमें दूध डालने के बाद उबाल आ जाता है, उसके बाद हम इसको आधा मिनट तक और उबालेंगे और गैस को सिम कर देंगे। तो ये देखिए, चाय हमारी उबल गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है चाय में और अब हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार है। तो गाइज, इसी तरीके से आप चाय बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय बनती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ चाय बनाने का। इससे हमारी चाय झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और थोड़ी कड़क कम बनती है। अगर आप कड़क चाय पीना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लें, और कम कड़क पीना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से बना लें। मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। इस तरीके में हम क्या करेंगे गाइज, दूध और पानी को हम एक साथ चढ़ा देंगे। ये मैंने आधा कप दूध ले लिया है और आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे। ये बराबर का हम इसको इकट्ठा ही चढ़ा देंगे। ये जो हमने दूध और पानी चढ़ा था, ये हमारा गर्म हो गया है। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और एक चम्मच फुल भरकर हम इसमें चीनी की डाल देंगे। छोटी सी हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक और चाय का मसाला चाय में ऑप्शनल होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। तो छोटी सी अदरक हम कूट कर डाल देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है और अदरक हमें ठंड लगने से भी हमारी शरीर की रक्षा करती है। सर्दियों में अदरक खाना चाहिए, हमें अच्छी रहती है सेहत के लिए। दालचीनी और इलायची डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ, मैंने पहली वाली चाय में डाल दी थी। उबाल आने के बाद हम इसको एक मिनट तक पकाएंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। थोड़ा हिला देंगे, क्योंकि कई बार चाय में पपड़ी आ जाती है और उसके ऊपर चाय आ जाती है तो उबल नहीं पाती है। इस तरह से इसको हिला देंगे तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। और अब इसको हम फिर से उबाल लेंगे। तो ये देखिए, चाय हमारी उबल चुकी है और अच्छा सा कलर भी आ गया इसमें। चाय को सर्व करेंगे, तो गैस को बंद कर देते हैं। चाय को छान लेंगे। चाय हमारी बनकर तैयार है। तो ये देखिए गाइस, दोनों तरह की चाय हमारी बनकर तैयार है। और इसी तरह से आप घर पर इसे ट्राई ज़रूर करना। और चाय अगर अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।